Welcome back to everyone on my YouTube channel. I hope you guys doing absolutely fine. Today it's 8 a.m. morning and I woke up at I think 7 o'clock. 7 baje so ki utha, I get refreshed myself and finally today I thought that I have to make a vlog on, you know what, Hotel Taj and Gateway of India, definitely. And so guys, let's go. Today I'm going to Hotel Taj and Gateway of India from Goregaon to railway station and then I will catch the train. चर्चगेट रेलवे स्टेशन पे उतरा हूँ और यहाँ से डायरेक्ट लेफ्ट साइड आप जाओगे तो वहाँ पे एग्जिट गेट मिलेगा, वही एग्जिट गेट से आपको लोकल टैक्सी ऑटो मिलेगा जो कि आपको गेट पर इंडिया तक छोड़ेगी। गेट के बाहर निकल चुका हूँ और मुझे यहाँ से टैक्सी लेनी पड़ेगी गेट ऑफ इंडिया के लिए, बट ये जो टैक्सी मुझे मिलेगी वो रोड के उस साइड से मिलेगी, उसमें सबसे पहले मुझे तो रोड क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ पर सबसे बड़ी पंगा यहाँ पे ये होती है जो हर एक जगह आपको यू टर्न नहीं मिलेगा, जो आप वॉकिंग रोड को क्रॉस कर पाओगे आपको थोड़ा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, फिर वहाँ से कट आता है, उसके बाद आप रोड चेंज कर सकते हो, सर्विस लेन में जाते हो। थैंक गॉड मुझे नज़दीक में ही मिल गया, अभी मुझे कुछ टाइम यहाँ पर वेट करना पड़ेगा टैक्सी के लिए। गेटवे जाना है और मेरे पीछे देखिए, यहाँ से कंटिन्यू ऑटो आपको मिलेगा जो येलो कलर की ब्लैक कलर की है, शायद दूसरी आ रही है भैया। गेट में फाइनली आई गेट माय कार और मैं भी जस्ट अंदर बैठ चुका हूँ। यहाँ से डायरेक्ट गेटवे ऑफ इंडिया जाऊँगा, यहाँ तो ऑटो मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है, बहुत टाइम वेट करने के बाद मुझे मिला है। आई थिंक आई एम इनफ लकी। तकरीबन 40 मिनट लगा है आपको लोकल ट्रेन से फ्रॉम गोरेगांव टू चर्चगेट और चर्चगेट से अप्रॉक्स आपको 5 to 7 मिनट लगेगा गेटवे ऑफ इंडिया जाने में, इट्स वेरी नियर अबाउट। बट पैदल अगर आप जाते हो वॉकिंग तो आपको रास्ता देखा हुआ है ये होना चाहिए, अगर आपको रास्ता देखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें जो कि आप भटक सकते हो, गलत रास्ते में जा सकते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। इट्स बेटर टू हायर ए कैब एंड गो। ज़्यादा पैसा नहीं लगता यहाँ से आपको गेटवे तक जाने में, अप्रॉक्स 35 to 40 मीटर आता है, मीटर के हिसाब से अगर आप जाओगे तो। शेयरिंग बेस पर जाते हो तो उससे भी कम गिरेगा आपको, बट शेयरिंग बेस पर आपको जल्दी यहाँ पर मिलता नहीं है। आगे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आपको मोस्टली बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा और आपने रियलाइज भी किया होगा, जो कितने ही मूवी में कितने ही सॉन्ग में ये एक ही प्लेस को दिखाया जाता है और वो जो उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको चर्चगेट के आसपास है और यहाँ की महानगर मुंबई महानगर पालिका का एक मैं थोड़ा सा फुटेज आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे पीछे है। शायद आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही है होटल ताज। यस फाइनली अभी जस्ट पहुंचा हूं होटल ताज के पास। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं बड़ी सी बिल्डिंग, ये देखिए, इसी को बोलते हैं होटल ताज। ये होटल ताज की हिस्ट्री कुछ अजीबोगरीब है इंडिया में, एक्चुअली ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, ये बहुत ही पुराना होटल है और इंडिया के सबसे लग्जरियस होटल में से एक आता है, आई थिंक टॉप 1 में से, और इसकी जो कॉस्ट है पर डे का वो बहुत ही ज़्यादा है और वो नॉर्मल कोई भी इंसान अफोर्ड नहीं कर पाते वो, बट आप जा सकते हैं अगर आपके पास पैसा हो तो, ये बड़ी बात नहीं है, बट ये जितने भी लग्जरियस है वो बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े जो फॉरेनर सब आते हैं वो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं एंड एवे कॉमन मैन आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट अपने पास पैसा होना चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊँगा कितना है बट समथिंग। और सबसे
ज़्यादा है। आप मेरे पीछे देखिए, यही है होटल ताज, और इसकी जो कुछ मिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको 26/11 याद होगा शायद अच्छे से अभी तक, उसके भी कुछ इंसिडेंट और कुछ प्लेसेस के बारे में मैं दिखाऊंगा एक्चुअली वो हुआ कहाँ था। और आप मेरे पीछे देखिए गौर से, ये 7th फ्लोर का है और इसका जो मेन एंट्रेंस है वो आपको मेरे पीछे से, इसका मेन एंट्रेंस मेरे पीछे से है। यहाँ पे 2 होटल ताज है, मैं आपको बता दूँ, एक पुराना वाला एक नया। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पुराना वाला होटल ताज है जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, और इसके जस्ट बगल में है सटा हुआ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको नया होटल ताज बोलते हैं। ये भी होटल ताज ग्रुप का ही है, ये नया है और वो पुराना वाला। ये देखिए सुरक्षा को देखते हुए बड़े बड़े पिलर्स, ये लोहे का बना हुआ है और बहुत ही हेवी है, आप उसको जल्दी हिला नहीं पाओगे। एक्चुअली ये दी गई है, यहाँ का जो इतना स्पेस दिया गया है ये ऑन वॉकिंग के लिए है। साइड से जितने भी 4-व्हीलर के व्हीकल्स हो जाते हैं और ये साइड से आप वॉकिंग जा सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, इसका जो रोड आप देख रहे हो, रोड के जस्ट बाजू में यहाँ पे समुद्र है, ठंडी हवा, समुद्र की लहर, फैंटास्टिक। ये देखिए मेरे पीछे, जी हाँ यही है समुद्र। मैं भी जा रहा हूँ होटल ताज के पीछे का पोर्शन, मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसा दिखता है वो। ये साइड फेस आप देख लीजिए, इसके गार्डन है बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं टोटली यहाँ से नहीं दिखा पाऊँगा गार्डन टोटल, बिकॉज ये जो बॉर्डर एरिया, बॉर्डर से उधर जाना मना है। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही तगड़ी है अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक मैं बता दूँ, होटल ताज जो वो टाटा ग्रुप का है, रतन टाटा आपने सुना होगा, इसलिए इज बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, तो डेफिनेटली सब जानता है वो टाटा ग्रुप का है, और होटल ताज भी टाटा ग्रुप का ही है। आ गया होटल ताज के पीछे, और इसके पीछे आपको मिलेगा स्टारबक्स। स्टारबक्स भी आपको मैं बता दूँ ये टाटा ग्रुप का ही है, जो आपका मोस्टली स्टारबक्स का कॉफ़ी बहुत ही फेमस है। ये है मेरे पीछे स्टारबक्स। तो ये था एक्चुअली, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग शायद मना है, तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बोला एक्सक्यूज मी प्लीज़ डोंट डू दिस, तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल होटल ताज। अब मैं इसके जस्ट आगे वाला गेट के पास पहुँचने वाला हूँ, जहाँ से मैंने टर्न लिया था। अब मैं आपको दिखाऊंगा गेट पर फेन लिया, जो होटल ताज की इक्वल ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक्चुअली मुझे लगी थोड़ी सी भूख और मुझे कुछ खाना है, आई फील रियली वेरी हंग्री, बिकॉज मैंने लंच नहीं किया था, ओनली ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और डायरेक्ट मैं निकल पड़ा रूम से। अगर आपको यहाँ पे खाना गेटवे इंडिया के पास, तो यहाँ पे गेटवे इंडिया के एंट्रेंस गेट के बाजू में आपको यहाँ पे कैफे मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे आपको स्नैक्स मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ खाना है तो वो भी मिलेगा, फास्ट फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चाय कॉफ़ी एवरीथिंग। यहाँ पे भी बस नूडल्स मिल रहे हैं एंड समोसा भी नहीं है, फ्रेंकी मिल रहा है, वड़ा पाव मिल रहा है। सो आई थॉट बेटर टू ईट वड़ा पाव, इट्स वेरी फेमस डिश इन मुंबई। अगर आप कहीं भी जाते हो आपको कुछ मिले ना मिले, वड़ा पाव जरूर मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड वड़ा पाव एंड इट विल बी माई थम्स नेल आई थिंक। अभी मैं गेटवे ऑफ इंडिया का एंट्रेंस गेट पे हूं और यहीं से एंट्री होती है गेटवे ऑफ इंडिया अंदर जाने के लिए। अभी मैं जाऊँगा अंदर और उसके बाद आपको दिखाऊँगा गेटवे ऑफ इंडिया। नाउ सी फ्रॉम माय बैक साइड, यस दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया। यस गेट के अंदर आ चुका हूँ
मैं गेटवे ऑफ इंडिया के बहुत ही नज़दीक हूँ और मैं दिखाता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको। ये देखिए, यस, दिस इज कॉल्ड गेटवे ऑफ इंडिया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडिया गेट दिल्ली में है एंड गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में, मस्ट रिमेम्बर। ये देखिए, यही है गेटवे ऑफ इंडिया, जो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही मेमोरेबल और बहुत ही प्राचीन धरोहर है भारत की। ये अंग्रेज के टाइम का में बनाया गया है और ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे हजारों सैलानी, लाखों सैलानी प्रत्येक साल भारत आते हैं होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए। आपको खास करके ये मैं बता दूँ, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समुद्र का व्यू, जो यहाँ से डायरेक्ट आप समुद्र देख सकते हो। यहाँ से आप बहुत दूर तक भी जा सकते हो एलिफेंटा कैब, इवन मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा स्पेशली एलिफेंटा कैब पे। ये यहाँ से आई थिंक 1.5 घंटे का रास्ता है जो आपको बोट से जानी पड़ेगी, नाव से। बट आई थिंक इट्स 4 PM तो अभी जाना मुश्किल होगा मेरे लिए, बट आई एम श्योर उसका एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा मैं अलग से। बहुत इंटरेस्टिंग है वो जगह, इवन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो एक टापू है और वहाँ पर बहुत ही ठंड है और वहाँ जाने के लिए 1.5 घंटे लगता है, नाव से समुद्र से जाना पड़ता है। और बहुत ही छोटा सा जगह है, जंगल है और वहाँ की कुछ हिस्ट्री है जो कि आपको मैं उस ब्लॉग में बताऊंगा। बातें थी सारी लगभग मैं आपको बता चुका हूँ गेटवे ऑफ इंडिया होटल ताज के बारे में। मैं भी कुछ छूट गई वो अलग चीज़ है, बट मोस्टली जितनी भी थिंग्स थी वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट बाजू में ही होटल ताज है सटा हुआ। आपको रोड के उस कॉर्नर पर होटल ताज मिलेगा एंड सेकेंड कॉर्नर पर आपको गेटवे ऑफ इंडिया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप एक चीज़ घूमने के लिए आते हैं तो एक साथ दो चीज़ देख सकते हो। एंड एक्साइटमेंट वाली चीज़, एग्जैक्टली इट इज़। ये अंदर का कुछ फिगर है जो आप देख रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया का, इसके अंदर कुछ है नहीं, बस इसके जो पिलर्स है बस वही है और कुछ खास यहाँ पे इसके अंदर है नहीं। ये रड़ के मोटे मोटे ग्रिल, यह प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया ताकि कोई अंदर ना जा पाए, अंदर जाना मना है इसका। उधर से भी गेट था पीछे तक जाने का, लेकिन अभी बंद किया हुआ बिकॉज पीछे का जो रास्ता है वो हाई टाइड के पानी के फ्लो के कारण से वहाँ की जो नीचे की जो बेस थी वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो जिस कारण से सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे भी जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। दैट्स अ मेन रीज़न वहाँ के गेट बंद है। यहाँ की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है, वो है यहाँ की कबूतर, इतने ही खूबसूरत और प्यारे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, मतलब शब्दों में नहीं बता पाऊँगा। आप मेरे पीछे देखिए, इतने प्यारे कितने खूबसूरत कबूतर सब हैं और वहाँ पे खाने के लिए आते हैं। और जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट हैं वो लोग इसको खरीद के, चना खरीद के अपने हाथों से खिलाते हैं। और गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल ये प्लेस कवर करके रखा है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता है। ढेर सारा कबूतर, ओह माय गॉड, आई रियली ट्रूली फील्स सो गुड। एक्चुअली जब मैं कबूतर का फुटेज ले रहा था, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, सडनली बारिश शुरू हो गई जिस कारण से यहाँ पे थोड़ी सी भगदड़ भी मच गई और सबको भागना पड़ा यहाँ से। इवन सारे कबूतर तो ऑलरेडी भाग चुके हैं पहले ही, जैसे बारिश हुई सारे कबूतर उड़ गए वहाँ से, एक भी नहीं, सब खा ले। तो इसलिए वहाँ का ठीक से मैं वीडियो कैप्चर कर नहीं पाया, भले वो था ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वो मैं नहीं कर पाया। बट और अभी कबूतर आने वाला है भी नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तो मैंने आपको गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज का जितने भी थे वहाँ के फुटेज स्पेशल चीज़ वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ आप नए प्लेस पे जाना चाहेंगे, उसको देखना चाहेंगे मेरे थ्रू, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं जो इस जगह को देखने मुंबई की कुछ एक्साइटमेंट वाली अगर आपके माइंड में हो, जो मुझसे छूट गई हो, तो प्लीज़ टेल मी, डेफिनेटली आई विल विजिट देयर एंड मेक ए ब्लॉग ऑन दैट टॉपिक। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे नोटिफिकेशन में आपको आएंगे और आप इसे देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।